अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अगर आप लोग वेट लूज़ करना चाहते हैं और डाइट रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आप लोगों के एक ब्रेकफास्ट की रेसिपी लेकर आई हूं। जी हां, ओट्स ऑमलेट की रेसिपी लेकर आई हूं, जो कि बहुत ही इजीली आप घर पे अपने लिए बना सकते हैं ब्रेकफास्ट में। इसके लिए मैंने लिया है 2.5 टेबल स्पून ओट्स और इनको कर लिया है ग्राइंड। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून टमाटर और 1 टेबल स्पून प्याज दोनों फाइनली चॉप करके डाले हैं। इसके अलावा अब हम इसमें डालेंगे कैबेज। अगर कैबेज नहीं है तो आप गाजर को भी फाइनली चॉप करके डाल सकते हैं। जायके के लिए 1 अदद हरी मिर्च, 2 अदद लिए हैं मैंने अंडे। अगर आपको ब्लड प्रेशर का इशू नहीं है तो आप फुल एग ले सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे तमाम चीज़ें जो हमने मिक्स करके रखी थी। ओट्स की वजह से ये थोड़ा सा थिक बनता है, ठीक है, तो इसे थोड़ा सा हम इसका टेक्सचर अच्छा करने के लिए इसमें बहुत लिटल सा अमाउंट जो है वो हम वाटर का ऐड करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स। अगर आप चिली फ्लेक्स नहीं डालना चाहते तो चिली पाउडर डाल दें। ब्लैक पेपर, काली मिर्च और हसबे जायका नमक और चुटकी भर ऑरेगानो डालेंगे, ठीक है। अब हम इसे अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे ताकि तमाम अज्जा अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। फ्राई करने के लिए हमने लिया है 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल, ठीक है, और अब हम अपना जो हमने पेस्ट रेडी किया था ऑमलेट का वो डाल देना है और लाइटली हाथों से हमने इसको फैला देना है। लेकिन ये थोड़ा सा थिक होता है, ठीक है, इसलिए बहुत लाइटली हाथों से करना है आपने इसे मिक्स। फैला देना है तवे पे, फ्लेम को बहुत लाइट रखना है क्योंकि हम विदाउट ऑयल इसे फ्राई कर रहे हैं। 1 टेबल स्पून के करीब बस हमने ऑलिव ऑयल लिया था। अब आपने इसे 3 मिनट तक ढक लेना है। ये अच्छी तरीके से पक चुका है, अब हम इसे पलटेंगे और इसकी सेकेंड साइड को भी गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं बैक साइड का कलर कितना प्यारा आया है। हल्के हाथों से आपने इसे प्रेस करना है और लाइट फ्लेम पे आपने इसे कुक करना है। प्रेस करने से इसके अंदर जो अंडा अगर कच्चा रह गया है तो वो भी पक जाएगा, क्योंकि इसका टेक्सचर थोड़ा थिक है इसलिए हम इसके इसको प्रेस करके अंदर तक पकाने की कोशिश कर रहे हैं। लाइट सा गोल्डन हो चुका है हमारी फ्रंट साइड भी। मज़ीद 3 मिनट तक हमने इसे किया है कुक और हमारा ओट्स ऑमलेट बिल्कुल रेडी है। आप इसे ब्रेड के साथ भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन आप इसे विदाउट ब्रेड भी खा सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलेंगे बहुत जल्द नई रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब, हमारी वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में दिया गया बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, उसका फ़ायदा ही होगा कि आने वाली न्यू अपलोड्स आपको सबसे पहले और बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे।